सुनत कष्ट अपने हरि बोल सुन रहे ना, सुनाई पड़ रहा है। आज श्री गौर किशोर दास बाबा महाराज जी का आज है तिरुभाव तिथि है, इसलिए इनकी जो वंदना है कहते नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम बुझाते, इसलिए इनका मंत्र में कहते हैं ये कौन है, कहते इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नम गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये, कहते ये वैराग्य का ये मूर्तिमान रूप है, वैराग्य का मूर्तिमान रूप है। कहते महाप्रभु का जितने सब भक्त लोग हैं, कहते महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधा कम है, महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान। महाप्रभु का जितना भक्त है सबके सब वैराग्य, कहते उनका जो प्रधान ये वैराग्य प्रधान है, इसलिए महाप्रभु इसलिए बोले भावना खाई बार भावना पड़ी बा ब्रजे राधा कृष्ण सेवा माने से गुरु, इसलिए महाप्रभु बोले बहुत बढ़िया बढ़िया मत खाया करो और बड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया पहना मत करो। बोले क्यों, कहते अगर ज़्यादा बढ़िया बढ़िया रोज रोज तेल मसाला घी और बढ़िया बढ़िया कोई चीज़ खाएंगे बढ़िया, फिर क्या होगा शरीर में उत्तेजना आएगा, शरीर में उत्तेजना आएगा, फिर भजने मन नहीं लगेगा, फिर मन क्या होगा, फिर मन ये घर गृहस्थ में संसार के लिए फिर भागेगा, मन संसार के लिए भागेगा है। इसलिए बोले एकदम बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ तेल मसाला ये चीज़ को मत खाया करो। इसलिए दूसरे चीज़ बताए बोले भालना पड़ीवा बहुत बहुत कीमती कीमती चीज़ का वस्तु मत पहना करो। बोले क्यों, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा सील हैं और बढ़िया कीमत कीमत कपड़ा पहनेंगे बढ़िया, फिर क्या होगा, फिर शीशा को सामने खड़े होकर देखेंगे हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं, रास्ता में जब चलेंगे सोचेंगे आज हमने इतने बढ़िया कपड़े पहने साड़ी पहने कपड़े पहने कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, हमको इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर देखेंगे देख, फिर क्या होगा, जो मन है इसलिए भजन में नहीं लग करके मन कहाँ होगा, फिर मन विषय में जाएगा। इसलिए देखो इसलिए महाप्रभु का जितने भक्त लोग हैं ना, हमारे जो छह गोस्वामी हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु हुए सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं गौर किशोर, इन लोगों को देखना मतलब एकदम सीधा साधा पहने हुए हैं, एकदम सीधा साधा पहनते हैं और सीधा सीधा खाते थे हैं, किसी तरह से चाना कभी कभी चाना कभी कभी मना है कभी चाना कभी नहीं, इसलिए कभी कभी तो कहते ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कभी कभी तो गंगा का मिट्टी खा लेते, गंगे का कभी इच्छा होगी दाल बाट चूरमा बनाएंगे दाल बाट खाएंगे, फिर दाल बाट खाओगी इच्छा हो रहा है लो, फिर उन्होंने गंगा का जो कीचड़ है ना उसको उन्होंने खा लिया, बोला बढ़िया करके उसको ही खा हाँ बढ़िया करके इसको ही खाया करो। इसलिए कहते महाप्रभु भक्त जो तो वैराग्य प्रथा इनका जो प्रथा जो मुख्य है ये वैराग्य है, इसलिए ये लोग बड़े दीनहीन रूप में रह करके बड़े दीनहीन रूप में रह करके बस हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 भजन करते थे। बोले ये कहाँ पर रह जाते थे, कहते किसी पेड़ को नीचे हो, कभी कभी नाव में नाव में कभी कभी बंगाल में नाव में देखना उसमें छोटे छोटे घर बना देते हैं, कभी कभी उसके अंदर में रह गए और कभी कभी पायखाना के अंदर में जो पुराना जो पायखाना है बड़ा हुआ है पायखाना है उसका अंदर में बैठ कर भजन करते थे, उनका अंदर में बैठ कर भजन करते थे इसलिए पायखाना को दरवाज़ा बंद कर देते थे और बैठ बैठ करके बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। उसके अंदर में बैठ करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हरिनाम करते हैं, हरिनाम करते थे, बोलते थे इतने जोर जोर से, कभी कभी हरिनाम करते थे जैसे उनको गला फट करके खून निकलेगा, खून निकलेगा ऐसे कभी कभी जोर जोर से गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से ये हरिनाम करते थे। हैं भले उच्च स्वर में क्यों हरिनाम करते थे, कहते तो उच्च स्वर कर हरिनाम रब भजन प्रभाव स्मरण हवे सचाल भजन निर्जन संभव। मतलब जो निर्जन भजन है, जो निर्जन अकेला में जो भजन है वो कभी कभी साधारण व्यक्ति सहज नहीं, जब तक तुम्हारे मन स्थिर नहीं हो जाता है। भले ही हम जाकर किसी निर्जन जगह में बैठ गए लेकिन मन को क्या करोगे, फिर तुम मन को क्या करोगे, मन को क्या अकला बना दोगे। पहले पहले जो जो काम किया है भले तुम अकला जाकर बैठ जाओ लेकिन स्मरण क्या होगा, जिंदगी भर तुमने जो जो किया है, जिंदगी भर जो जो किया वही तो स्मरण होगा ना, जिंदगी भर जो जो करते करता है भले एकांत में बैठ गए फिर तो यही होगा। इसलिए वो एकदम गला फाड़ फाड़ करके, और उनकी भजन का इतने प्रभाव था भजन का, इनकी भजन का प्रभाव से कभी वो जो दीवार है ना, जो ईंट पत्थर जो दीवार है उसको अंदर में भी कहते उसका दीवार भी ईंट पत्थर से भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दीवार से भी कभी कभी हरिनाम की ध्वनि निकलता था, मतलब इनकी भजन में इतने प्रभाव था, इनकी भजन में बड़े प्रभाव भजन में। इसलिए बोले वैराग्य विद्या, इसलिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुद्रिजह तमाम प्रपत्ते। इसलिए महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य को जब महापुरुष षडभुज रूप में दर्शन दिया, छह हाथ प्रकार को दर्शन दिया, तो उनको जो स्तुति करते हैं बोले महाप्रभु कौन है, बोले वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ मेक पुरुष पुराणम। महाप्रभु जगत में क्यों आए, किस लिए आए, बोले वैराग्य विद्या को शिक्षा देने के लिए, कहते वैराग्य विद्या को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु आए। इसलिए महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। महाप्रभु कितने बड़े लंबे चौड़े थे, बहुत लंबे महाप्रभु चौड़े थे। आप लोग गंभीरा गए ना, देखे गंभीरा कितना बड़ा, कितने कितना बड़ा था घर, घर इतना बड़ा घर में महाप्रभु उसी के अंदर में एकदम सीधा साधा रूप में महाप्रभु उसका अंदर में महाप्रभु रहा करते थे। इतने छोटे घर में रहते थे महाप्रभु, छोटे घर में रह करके महाप्रभु इसका अंदर में, और महाप्रभु बोलते थे देखो भक्त लोगों का ना, भक्त लोगों को पीठा बना दो, भक्त लोगों को पीठा बना दो, बढ़िया बढ़िया जो है जो बढ़िया बढ़िया खाना जो है ना ये सब मेरे भक्त लोगों को दो, और मेरे को ना लाफड़ा बन जाए, लाफड़ा समझ दो कि नहीं, लाफड़ा जो गड्ढे का सब्जी है, जो मिक्स सब्जी है ना, मिक्स सब्जी, हरी बोल हरी कथा। यार हेडफोन कर ली सब, इसलिए बोलते थे मेरे को क्या दो, मेरे को क्या दो, मेरे को लाफड़ा और बेंजर, मेरे को चावल दे दो बस, जो गड्ढे का सब्जी ना एक साथ में मिक्स 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 जो भेज है, मिक्स भेज है सब्जी एक साथ मिला हुआ, इसको तो मेरे को दे दो, लेकिन मेरे भक्त लोगों को ना बढ़िया बढ़िया जो प्रसाद है, मेरे भक्त लोगों को अच्छे अच्छे खाना, मेरे भक्त लोग अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, और मैं तो बस मेरे को लाफड़ा दे। महाप्रभु महाप्रभु ये शिक्षा देते थे, महाप्रभु ये शिक्षा महाप्रभु दिया करते थे। इसलिए कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, इसलिए महाप्रभु जगत में वैराग्य विद्या को शिक्षा देने के लिए शिक्षा तमेक श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और रघुनाथ दास गोस्वामी जो बोले अपना मुँह से कुछ हमें
उपदेश प्रदान करो, अपना मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। महाप्रभु बोल दिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, एनीथिंग आज से this machine not working. किधर आ जाओ, सुनाई पड़ रहे हैं आप। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु से पूछे, बोले प्रभु अपना मुंह से मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, बोले तुमको स्वरूप दामोदर के चरण में दे दिया ना, ये स्वरूप दामोदर मेरे से ज्यादा जानता है, बोले नहीं प्रभु तब भी आपसे हम कुछ आपका मुंह से कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। जब उन्होंने ये बात बताई तो महाप्रभु ने यही बात बताया, क्या बोला, बोले ग्राम में बार था न कही बा, ग्राम में बार था ना सुनी बा, भाल ना खाई बा और भाल ना पड़ी बा, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मान से गई बा। तो उन्होंने शिक्षा दिया है, इसलिए ग्राम में कथा ना बोली बा, ग्राम में कथा ना सुनी बा। ग्राम्य कथा ना सुनी वा, ब्राह्म्य कथा ना बोली वा, और ब्रज राधा कृष्ण सेवा इधर आ इधर आ। इधर इधर तुम तुम उधर फंस उधर आओ खाली। हाँ ठीक, बैठ बैठ। इसलिए बोले ग्राम्य कथा ना बोली बा, ग्राम्य कथा ना सुनी बा, ये जो दो तीन या चार में उसको याद कर लेना, याद है ना, ग्राम्य कथा। इसलिए महाप्रभु ने केवल महाप्रभु ये चार पांच लाइन में ना शास्त्र का सारे शिक्षा उन्होंने दे दिया, सारे शिक्षा दे दिया। इसलिए क्या बोले, ग्राम्य कथा ना बोली बा, ग्राम्य कथा ना सुनी बा। इसलिए इसका मतलब ग्राम में कथा मतलब जो दुनियादारी की संसार का जो बात, हाँ गांव में जो बात होता है, तेरे बेटा कैसे, तेरी बेटी कैसे, उसका घर में क्या हो रहा है, उसका लड़का क्या कर रहा है, उसकी लड़की क्या कर रही है, उसका ये जो दुनिया लोग बैठ करके गांव में इधर उधर का दुनिया की जो बात करते हैं, कृष्ण भक्ति को छोड़ करके हमने इतना बड़ा भूत देखा, अरे उससे हम भी इतना लंबा भूत देखा था, यहाँ पर इतना बड़ा सांप, बोले मैंने इससे भी इतना बड़ा सांप देखा था। ये जो दुनिया भगवान की भक्ति की बात छोड़ करके जो दुनिया की जो उल्टा सीधा बात है उसको बोलना भी नहीं, वो बात को सुनना भी नहीं है, और भालना खाई वा और भालना बड़ी बा, बढ़िया मत खाओ, बढ़िया मत बन, और क्या करो, ब्रज राधा कृष्ण से मैं मानस गरीब, अपना मन में राधा कृष्ण का जो सेवा है ब्रज में, हर समय उनका अपना मन में सेवा करना, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति हार नाही मोर। इसलिए कब इस आएगा, हम राधा कृष्ण को सिंहासन में बैठा करके सुंदर
फूलों की माला से उनको श्रृंगार करेंगे, हैं? उनको बढ़िया बढ़िया प्रसाद भोग लगाएंगे, चुआ चंदन का श्रृंगार, ये तो उनका मानव सेवा। लेकिन अभी हम बद्ध जीव है, इसलिए प्रभुपाद ने देखा अभी हम मानव सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि मन में जो चीज बैठा हुआ वही तो चिंतन करेंगे। हम तो अपनी दुनिया मन में सारे कीचड़ों को बैठा दिया, सारा दुनिया गंदी गंदी चीजों को हृदय में बैठा करके रखे, अरे फिर वो तो मानस सेवा से करोगे। इसलिए प्रभुपाद ने उसको पहले ना ये मठ मंदिर में जैसे ब्रह्मचारी रह करके भजन करना मठ से पहले नहीं था, प्रभुपाद से पहले कोई नहीं था, उसको पहले तो गौर किशोर दास बाबाजी भक्त मनो ठाकुर ये लोग तो कोई मंदिर बना कर कहीं नहीं रहे, किसी पेड़ को नीचे किसी छैया को नीचे ऐसे ऐसे अपना जीवन बिता दिया। लेकिन प्रभुपाद ने देखा ये कलयुग का जीव है, इनसे ये संभव नहीं है, इनसे ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए प्रभुपाद ने फिर मठ मंदिर स्थापन किया, इनको धीरे 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 कैसे जो संपूर्ण अनधिकारी है, जो अनधिकारी, हम सब अनधिकारी हैं, हम कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए सब कोठा मकान दुकान सब बनाए, किसी तरह से इसको अंदर में रहे और रह करके किसी तरह से एक जीवन हरि गुरु वैष्णव का सेवा करते करते जीवन को बिताए, एक जीवन बिताओ, प्रभुपाद यही कहते थे। क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, आप हमको इतना बढ़िया घर मिलता है, हैं, अटैच बाथरूम घर है, उसमें गर्म पानी में स्नान करो तभी हमारी खांसी है, बुखार है, तभी हमारा शरीर खराब हो रहा है, हैं? अगर एक दिन पेड़ के नीचे रह जाएगी तो फिर हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर दूसरे दिन से छुट्टी हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद ने ये सब मंदिर मठ मंदिर बना करके बोले बढ़िया से रहो और प्रसाद पाओ। उन लोग कैसे खाना पहले खाते थे बताओ, कभी सूखा चना, कभी रोटी, रोटी को ना लाद करके रख लेते, कोई रख लेते थे सूखा सूखा कर महीना महीना का, और खाते समय उसको पानी में भिगा दिया, थोड़ा गुड़ डाल दिया और उसको खा लेते, उसको ही खा लेते थे, उसको खा करके किसी तरह से अपना जीवन को किसी तरह से बिताया करते थे। और बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसी तरह से ये भजन करते थे पहले गोस्वामी लोग। आप देखो कभी चाना कभी माना इसी वृक्ष को नीचे और संख्या पूर्वक नाम करना, रोज रोज दो तीन तीन लाख हरि नाम करना, और वैष्णव का उद्देश्य में एक एक हजार बार कैसे हम जैसे खड़े होकर जय देते, ऐसे नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी इनका भजन कैसे था, जय श्री श्री गुरु गौरांगा गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की बोल करके एक बार साष्टांग प्रणाम करते थे, फिर खड़े हो जाते थे। नित्य लीला प्रविष्ठ विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री 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 मद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की पूरा एक बार साष्टांग प्रणाम करते, फिर एक बार खड़े हो जाएंगे। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय, एक बार पूरा साष्टांग दंडवत फिर खड़े हो जाए एक हजार बार, हमको दस बार करते ना हमारा घुटन दर्द हो जाए, एक हजार बार रोज इतना। और भजन कैसे करते थे देखो, भजन कैसे करते थे, हम बोलते ना हमारा मन माया में भगता है, माया में मैया हमारा मन संसार में भागता है, दूसरे चीज में भटकता है, इधर उधर मन भजन में नहीं लगता है। इसलिए इसलिए विश्वनाथ जी को ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, बोले देखो जैसे कहीं एक कांटा गड़ गई ना, वो कांटा को निकालने के लिए क्या चाहिए, दूसरे कांटा चाहिए, कांटा को गड़ गया ना फिर क्या करोगे, और एक कांटा चाहिए वो कांटा को निकालने के लिए। इसलिए विश्वनाथ जी को ठाकुर कहते हैं ये गोस्वामी लोगों ने ऐसे ऐसे भजने क्यों किया, गुरु गर्ग ने ये मठ मंदिर क्यों करे, कारण है, इसका कारण है जब हमारे पास में समय होता है ना फिर ये मन हमारी गंदी चीज में भटकता है, इधर उधर जाता है। इसलिए वो कहते हैं अगर कांटा तुम्हारी कहीं गड़ गई तो कौन सा कांटी गड़ गई, बोले माया की कांटा तुम्हारे अंदर में गड़ गई, माया की कांटा गड़ गई, फिर उसको कांटा को दूसरे कांटा निकालो, दूसरे कांटा मतलब ये मन एक भूत है, जब ये मन को समय मिलता है फिर ये मन तभी गंदी गंदी चीज में मन ये भटकता है, जब समय मिलता है, अगर ये मन को समय ही नहीं मिले फिर ये गंदी गंदी चीज में मन भटक गया, उसको समय कहाँ। इसलिए जो मेरे गुरुदेव है ना, मेरे गुरुदेव विशेष करके मेरे जो गुरुदेव ब्रह्मचारियों के लिए हमारा गुरुदेव का मंदिर में ज़्यादा सेवा दिया है, शास्त्र तुम सारे शास्त्र को पढ़ लोगे
बोलेंगे इसे हम सारे शास्त्र पढ़े ना माया को जीत लेंगे, नहीं ये शास्त्र जब माया इसे की जीत शास्त्र शास्त्र वहाँ कुछ काम नहीं करता। इसलिए मेरे गुरुदेव बोलते थे इस शरीर को रगड़ करके सेवा मिला भगवान की सेवा कर दिन भर, अगर दिन भर रसोई बना रहे हो उनके मंदिर साफ कर रहे हो उनके माला बना रहे हो उनको उत्साह आ रहे हो उनको श्रृंगार कर रहे हो, अब देखना अब दिन भर इसमें कर लगो पर जो मन है ना नहीं जाए माया भी नहीं। ये मन कब ये माया में भटकती है जब उसको समय मिलता है, उसको जब समय मिल जाता है ना फिर मन क्या उसका उसका तो काम तो कुछ करना है फिर मन क्या करेगा फिर इधर उधर भटकेगा फिर मन इधर उधर। इसलिए कहते गोस्वामी लोग कहते संख्या पूर्वक नाम गान, गान मतलब रोज जो हम भजन करते हैं मंदिर में हाँ गुरु गर्ग का जो नरकुंदास ठाकुर लोचनदास ठाकुर श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन करते हैं इसलिए रोज रोज ये भजन को रोज करनी चाहिए, ये भजन को रोज भजन नियम करके पूरा नियम बना। कांटा कट गया ना वो कांटा को निकालो दूसरा कांटा चाहिए, ये कांटा को निकालने के लिए कहते दूसरे कांटा चाहिए, दूसरा कांटा मतलब क्या है अपना भजन को ऐसे 24 घंटा के 24 घंटा में ऐसे शरीर को मन को सेवा में लगा दो ना उनकी स्तुति स्तव में लगा दो जो कि मन को समय ही नहीं मिले इधर उधर कहीं जाने बस दूसरा कांटा से निकाल दो दोनों कांटा निकाल फेंक दो दोनों हो गया। इसलिए इसलिए कहते वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इसलिए महाप्रभु भी यही शिक्षा उन्होंने दिया। इसलिए श्री हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर सनातन गोस्वामी के लिए कहते हैं बोले वैराग जोग भक्ति रसम प्रजत नैरिमाम अनभिप्सु अंधम उस बात में कृपा बुद्रिज पर दुख दुखी सनातनम स्तम प्रभु माश्रयामी। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर सनातन गोस्वामी कहते बोले वैराग युग निज हाँ वैराग युक्त भक्ति रसम प्रजत नैरिमाम अनभिप्सांदम कहते वैराग युग भक्ति रसम कहते वैराग युक्त जो भक्ति रस है हम नहीं चाहने पर भी कहते श्री सनातन गोस्वामी हमें वो रस को पान कराए हैं। प्रजत नैरिमाम अनभिप्स अंधम हम अंधे थे हमारे अंदर में कोई इच्छा नहीं था तभी उन्होंने जोर जबरदस्ती उदाहरण दिया जैसे कोई बच्चा उसका पेट में कोई बीमारी हो गया है कोई कीड़े पड़ गया डॉक्टर क्या बोलते उसको कड़वा चीज खिला। अब देखना बचपन में माताएं बच्चे को मुंह में ना चम्मच दे करके उसको जोर जबरदस्ती स्कूल में ऐसे करते थे बच्चा नहीं चाहता है कोई कड़वा चीज खाना मैया क्या करती है उसको स्पून से चम्मच से ऐसे करती है और बच्चा रोता है लेकिन जब तक वो अंदर में घटक नहीं जाता है ना वो चम्मच को नहीं निकलेगा चम्मच को नहीं निकालेगा जब वो अंदर में घटक जाएगा तब चम्मच को निकालती है वो बच्चा नहीं चाहता है लेकिन डॉक्टर ने कहा भैया उसको कड़वी चीज खिलाओ पेट में कीड़े भर गए। इसलिए वो कहते उसी तरह हमारी अंदर में भी भावना क्या है हम भोगी है ना हम भोगी जी बढ़िया खाएंगे बढ़िया पहनेंगे बढ़िया स्तर पर रहेंगे हमारे अंदर में ये भोग की वासना है लेकिन ये वो कहते हैं हमको जो जोर जबरदस्ती कहती ये चीज को ना हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज वो हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के लिए बोल देते बोले मेरे मन में संन्यास लेने का कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि संन्यास लेने का मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी लेकिन ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने भक्ति वेदांत स्वामी महाराज में जोर जबरदस्ती संन्यास दिलाया बोले संन्यास लो संन्यास लेकर के केशव महाराज बोले संन्यासी लो और संन्यास लेकर जाओ विदेश में जाओ और संन्यास लेकर विदेश में जाकर के प्रचार करो है मैं नहीं चाहता था तभी उन्होंने हमें जोर जबरदस्ती संन्यास दिलाया और हमें विदेश में भेज दिया। इसलिए हम इच्छा नहीं करने पर भी हरे कृष्ण आवाज आ रही है हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण कहते हमारी इच्छा नहीं रहने पर भी हरे कृष्ण तुम लोग अंदर में हमको भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने हमें ये जोर जबरदस्त संन्यास दे करके हमें
विदेश में भेजे और हमारे द्वारा उन्होंने प्रचार कराया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वैराग विद्या निज भक्ति योग। इसलिए गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज कौन है, कहते साक्षात वैराग्य मूर्त है। कहते ये वैराग्य की ये मूर्तिमान स्वरूप है, साक्षात वैराग्य मूर्तिमान। कहते ये वैराग्य दो तरह का है, कहते एक वैराग्य तो साधारण रूप में दीनहीन और वैराग्य पूर्वक साधारण पहना, साधारण खाना, साधारण रूप में रहना, कहते ये एक वैराग्य है, इसको एक वैराग्य, इसलिए इसको एक वैराग्य कहते हैं। इसलिए श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भागवत में श्लोक आया है, कहते भैया अगर तुमको भक्ति करना है ना, भजन करना, तो भैया ये जो संसार का जो माया में जो जीव पड़े हुए हैं, कहते तुम जा करके उनको पास में क्यों जा करके उनको पास में जाकर कोई चीज लाते हो, हैं? कहते वो कहते हैं बोले भैया फिर खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, क्या क्या करेंगे, कल पहनेंगे क्या। वो कहते हैं जो लोग कहते भैया जब कोई व्यक्ति को जलाने के लिए ले जाते हैं ना, आप देखना जो जो उसका जो इतना कपड़ा फपड़ा होता है उसको शमशान में फेंक देते हैं, शमशान में उसको फेंक देते हैं। वो कहते हैं अगर तुम भक्ति करना उसको ही धो करके पहन लो। वो कहते हैं बोले उसको धो करके पहन लो, हैं? उसको धो करके पहन लो, क्योंकि तुमको तो भजन करना है ना, भक्ति करना है, इसको धो करके पहन लो। बहेंगे बोलेंगे खाएंगे क्या, खाना कहाँ से, बोले भगवान इतने पेड़ क्यों बनाए, भक्त लोग के लिए बनाए ना, अभी तो सब फल फल सब खत्म हो गया, लेकिन पहले क्या लोग कम बहुत कम होते थे, चारों तरफ में जंगल जंगल होता था, सब जगह में फल फूल। मैं जब अपना घर में था ना, मैं अपना अपना घर में देखता था, हमारे बगीचा बहुत बड़ी थी, तो बगीचा में कहाँ पर केले पक कर के चिड़िया खा लिया हमको पता नहीं चलता था, और नारियल का पेड़ था, कब ये नारियल सूख कर गिर जाता था पता नहीं पड़ता, वहीं पर पड़ा रहता था। बोले हमने देखा ये चीज हमारे परिवार में, और आम का पेड़ था, हैं? जब आम का पेड़ जब उसमें खूब हवा आता है ना, पास पक्का हुआ आम गिरता था, पेड़ से गिरता था पक्का हुआ आम है। बोले पहले बहुत हरा भरा फल फूल फैलता, बोले बोले खाएंगे क्या, बोले भगवान इतने फल का वृक्ष क्यों लगाए, भक्तों के लिए तो लगाए ना, तब वो फल खा लो। बोले पानी कहाँ से पियेंगे, बोले पानी कहाँ से पियेंगे, बोले भगवान ने इतने नदियां क्यों बनाए, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी हैं, गया गंगा प्रभास पुष्कर, इतने भगवान बनाया नदी क्यों, अपना भक्तों के लिए तो बनाया ना। इसलिए लोग पहले कहाँ कहाँ रहते थे कि नदी किनारा में रहते थे, नदी किनारा में तो पानी आसानी से मिल जाएगा खेती करने के लिए, बोले उसको पी लिया करो नदी का पानी। अभी तो पानी पवित्र नहीं रहा, पहले एकदम नदी का पानी जमुना का पानी तो रोक दिया, जमुना का पानी, हाँ बोले नदी का पानी पी लो, बोले बगैर पात्र के हम पानी कैसे पियेंगे, बोले भगवान ने अंजलि दिया ना, भगवान ने ये अंजलि दिया इसे भगवान इससे पी लो। बोले सोएंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, बोले भगवान इतना बड़ा पृथ्वी क्यों बनाया, इतने बड़े पृथ्वी भगवान ने क्यों बनाया, हैं? भक्तों के लिए तो बनाया ना, सो जाओ। बोले बगैर तकिया के तो नींद नहीं आएगी, बगैर तकिया के तो नींद नहीं आएगी, तकिया तो भगवान ने हाथ क्यों दिया, इसको तकिया बना लो, इसलिए तो दिया तकिया बनाने के लिए हाथ को दिया ना, इसलिए उसको तकिया बना दो। बोले घर कहाँ मिलेगा, बोले भगवान जंगल में बड़े सुंदर सुंदर गुफाएं बनाया है, गुफाएं बनाए और गुफा के अंदर में रह जा। बोले अगर शेर बाहर बाघ चीता रहते फिर खा जाएंगे तो फिर क्या होगा। बोले भगवान क्या अपना भक्तों को रक्षा करना छोड़ दिया है, पहले ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे ना, बोले भगवान क्या अपना भक्तों को रक्षा करना छोड़ दिया, भगवान रख को चिंता मत करो। ये जो भागवत का ये प्रथम स्कंध में कथा आती है, तो यहाँ पर कहते हैं अगर ये चीज को अगर कहीं देखना हो तो बोले कहाँ देखने को मिलेगा, बोले श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जीवन यही जीवन है, यही सही करते थे, पैखाना के अंदर में रह जाते थे, किसी पेड़ को नीचे रह जाते थे, नाव में कोई कोई साधारण घर होगा उसको नीचे रह जाते थे, हैं? उसको नीचे रह जाते थे और खाते थे क्या, कैसे ज-
जहाँ पर सब्जी बिकता है ना, देखना सब्जी बिकने के बाद कुछ फेंक देते जो बिकता नहीं, और वही चीज को उठा करके ला देते, और जो गंदा गंदा सब्जी को बात दे दे करके बात दे देते थे, और जो उसमें बच जाता था उसको ही रसोई बना लेते थे। हैं रसोई बना करके श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते ना, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, ये तो भक्तवन ठाकुर का कीर्तन है। कहते और ये कीर्तन है, वो कौन सा कीर्तन में महाप्रभु को भोग लगा देते, कौन सा कीर्तन में कहे जो कीर्तन से महाप्रभु को भोग लगा देते, उसी कीर्तन से महाप्रभु को भोग लगा देते। भोग लगा करके फिर वो प्रसाद को पहले कृष्ण खाता है, राधा रानी खाती है, ललिता विशाखा खाती है, रूपो मंजरी रति मंजरी गुरुवर्ग खाते हैं, बाद में प्रसाद हमें मिलता है। कहते हैं जिस समय ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उसको खाते थे ना, वो चीज को खाया करते थे, कहते उनका मुंह का जो आकृति, जैसे कोई बढ़िया चीज खाए ना, खूब मीठा बढ़िया खूब टेस्टफुल चीज खाए, क्या होता है मुंह से लाल निकल आती है, मुंह से लाल निकल आती है। जिस समय ये इसको खाते थे, इनका मुंह का जो आकृति है ना संपूर्ण बदल जाती थी, ऐसे लगता था जैसे बढ़िया कोई रसमलाई लेडी गनी चमचम है, बढ़िया कोई जैसे चीज खाते है ना, उनको लगता तो जैसे ऐसे खा रहे। बोले क्यों? बोले पहले ठाकुर जी को भोग लगा, फिर राधा रानी ने खाए, ललिता विशाखा खाए, फिर बाद में हमें ये चीज हमें मिल रहे हैं, है? ये चीज हमें मिल रहे हैं, इसलिए बड़ी आनंद पूर्वक इसको खाया करते थे। इसलिए बोले इनको, इसलिए इनके मंत्र में बोले वैराग विद्या निज भक्ति योग, कहते ये एक वैराग्य है, है? बोले दूसरा जो वैराग्य है, एक तो ये ऊपर का वैराग्य है, बोले दूसरा जो वैराग्य है, वैराग्य मतलब होता है विशेष पूर्वक अनुराग, इसको कहते हैं वैराग्य। देखो शास्त्र में बताया भक्ति परेशान भव और विरक्ति अन्यत्र, यहाँ पर एक चीज बताए, कहते वैराग्य कब आएगा, ये वैराग्य कब आएगा, बोलते परम दृष्टा निवर्तन्ति, जब तक तुमको कोई हायर टेस्ट नहीं मिलता है ना, कहते ये लोअर टेस्ट को हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कोई व्यक्ति जीवन में गुड़ खाया, जिंदगी में खाली गुड़ ही खाया, उसको पूछो भैया जगत में सबसे बढ़िया मिठाई क्या है, क्या बोलेगा वो, क्या कौन सा मीठा बोलेगा, गुड़। जीवन में और कोई मीठा खाया नहीं ना, गुड़ खाया कब लगाया, वाह गुड़ कितने बढ़िया है मीठा, लेकिन जो रसमलाई खाया है, जो बालूशाही खाया है, जो सोन पापड़ी खाया है, या गिरिराज मिष्ठान भंडार में मिलता है ना, है जो बढ़िया जो प्योर घी के जो चीज खाया है, बोले कोई गुड़ कोई मिठाई होता है, हाँ गुड़ कोई मिठाई होता है, कारण क्या, बोले उससे हायर मिठाई खाया कोई है, हाँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तन्ति, जब तक तुम्हें कोई हायर टेस्ट नहीं मिलेगा ना, तुम लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ सकते। इसलिए बोले भक्ति कभी ये माया में हमारे मन क्यों जाती है, कारण क्या है, ये माया में भी एक जड़ आनंद है, ये माया में भी एक जड़, जब भी बाद में दुख ही दुख है। संसार का जो सुख है ना, संसार का सुख कैसे है, भागवत में बताया जत मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छ कंडे रव कर रव दुखान, संसार का सुख कैसे है, जैसे खुजली होता है ना, खुजलाने के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर जब खून निकलता है, जब खून निकलता है, ये संसार का सुख ठीक वैसे ही है। पहले संसार लगेगा वाह क्या सुंदर है ऊपर में देखने के लिए, इसलिए कहते संसार दावा नलली नलो को, संसार को दावा नल बताया, आग बताया, बोले क्यों, बोले दो चार दिन के लिए थोड़ा सुख मिल गया, दो चार बच्चे हो गए ना, बस सुख फूक गया, पति पत्नी का प्रेम गया, प्रेम आ गया बच्चे में, फिर तो देखना बच्चे हो गए, उसके बाद में मरने का पहला तक भी ये बच्चों का टेंशन तुम्हें नहीं छोड़ेगी, बच्चे का शादी कैसे करवाए, अगर कोई बच्चा निकम्मा हो गया फिर जिंदगी भर के लिए बोझ बन जाएगा, जिंदगी भर बच्चों को खिलाते पिलाते रहो, फिर बच्चा शादी हो गया घर में बहू आ गई, बहू बात नहीं सुनती, बोले टुकड़ा टुकड़ी को निकालो घर से, हाँ पति को बोले घर से निकालो, घर में रहो, घर में नहीं रहूंगी मैं, हैं इनको निकालो। अब देखना मरने का पहला तक ना बेटी की शादी कर दिया तभी भी चैन नहीं, उनको इसी दीवार आ गया कपड़ा भेजने चाहिए इसी तिथि में उसको, आप देखना मरने का पहले तक भी ना उसका
दुख नहीं जाएगा। मरने का पहले तक भी उसका कष्ट केवल थोड़ी सी सुख के लिए जिंदगी भर दुख ही दुख है, हैं? इसलिए यहाँ पर बताए ये तब भी दुख है, लेकिन तब भी ये मन संसार में खुल जाता है। संसार में मन तभी दुख ही दुख देख रहा है, दुख सब संसार में दुखी दुखी। किसी व्यक्ति को पूछ लो, सुखी घर में हो? कोई बोलेगा तन से दुखी, कोई बोलेगा मन से दुखी, कोई बोलेगा धन से दुखी, कोई बोलेगा बेबी से दुखी, कोई बोलेगा बेटे से दुखी, कोई बोलेगा बेटी से दुखी, कोई बोलेगा बहू से दुखी, कोई बोलेगा ननद से दुखी, कोई बोलेगा सास से दुखी, कोई बोलेगा पड़ोसी से दुखी, कोई बोलेगा। एक व्यक्ति को पूछो कितने तरह का दुख है, तब भी जीव उसमें जाता है, तब भी जीव उसमें ही भागता है। कारण क्या? देखो यहाँ पर कारण बताए, बोले परम दृष्टवा निवर्तन्ते। कहते भक्ति उसको बाद में आएगा परेशान अनुभव। परेशान अनुभव मतलब होता है जब भगवान की भक्ति का आनंद तुम्हें मिल जाएगा। जब तुमको भगवान की भक्ति का आनंद मिल जाएगी वो हायर टेस्ट है, फिर ये जो संसार का जो लोअर टेस्ट है ये अपनी आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी संसार में बढ़िया क्यों लगता है ऊपर से? कारण है अभी भगवान की जो भक्ति का जो आनंद है ना, वो आनंद अभी तक हमें मिला ही नहीं, वो आनंद अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मन क्या करता है? संसार में भागता है, संसार में मन भागता है संसार में। अगर वो आनंद मिल जाए तो इसका सुख अपनी आप खत्म हो जाएगी, है? इसलिए कहते वैराग विद्या निज भक्ति योग। यहाँ पर कहते हैं जो ये जो गौर किशोर दास महाराज कौन थे, बोले ये कौन थे, बोले साक्षात वैराग्य मूर्त है। कहते ये वैराग्य की प्रतिमूर्ति, साक्षात वैराग्य की ये मूर्ति स्वरूप श्री गौर किशोर दास बाबा महाराज थे। वैराग्य मतलब विशेष पूर्वक भगवान में अनुराग। इसलिए जो कथाए गो प्रेममयी राधे राधे, किसका कीर्तन है? कहते रघुनाथ दास गोस्वामी ये कीर्तन गाते थे और श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज यही कीर्तन करते थे। हैं हैं गोसाई कखन डाके निधु बने, कखन डाके सेवा कुंजे, कुथाए प्रेममयी राधे राधे, कुथाए डाके गोवर्धने, कुथाए डाके राधा कुंडे, कुथाए डाके श्याम कुंडे, कुथाए गो प्रेममयी राधे राधे। हाँ मतलब वैराग्य मतलब विशेष पूर्वक अनुराग, इनके भगवान के चरण में विशेष इनका अनुराग था। अनुराग रहने का नाते दिन भर राधा रानी का नाम को लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं जो वैराग्य है, हैं, कहते इनका अंदर में विशेष पूर्वक भगवान का प्रति इनकी अनुराग था। अनुराग होने का नाते है ना, भगवान के प्रति अनुराग था, इसलिए अनुराग होने का नाते है भक्ति का रस उसको मिल गया। भक्ति रस मिलने का नाते ना जो संसार में जो वैराग्य है वो अपने आप फिर आ जाते है, अपने आप ये चीज आ जाती है। हैं? और जब तक वो चीज नहीं आएगा ना, बड़ी कठिन है फिर वैराग्य आना, बड़ा कठिन है। हैं? इसलिए कहते हैं साक्षात वैराग्य मूर्त विप्र लंब रसा बोधे पादा बुजायते नम। इसलिए विप्र लंब रस बोधरा, दिन रात उसी भाव से कहाँ जाने पर श्री जुगल सरकार मिलेंगे, कहाँ जाने पर श्री महाप्रभु मिलेंगे, एकदम विप्रलंब भाव में दिन रात राधा कृष्ण के भजन में ये डूबे रहते थे। इसलिए इनका नाम है श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो विप्रलंब के प्रतिमूर्ति। कहते हैं किसी वृक्ष का जो महिमा किसमें? फल में। फल से किसी, जैसे तुम्हारी बगीचा है, अगर उसमें कोई बबलू का पेड़ हो जाए, बोले इसको काट दो पेड़ को, बोले क्यों? बोले इसमें कोई फल नहीं आएगा, इसको काट कर ठाकुर का रसोई में दे दो। लेकिन यहाँ पर आपेल का पेड़ हो, चीकू का वृक्ष हो, कोई अंगूर का वृक्ष हो, कोई केले का वृक्ष हो, क्या बोलोगे? ये पेड़ को रखो। बोले क्यों? बोले भविष्य में ये क्या देगा? मीठा मीठा फल देगा, फिर पानी देंगे,
उसमें जतन करेंगे, खाद डालेंगे, क्यों भविष्य में वो वृक्ष फल देने वाले। तो उसी तरह वृक्ष का महत्व फल से होता है। कहते श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का ये वृक्ष है, बोले फल कौन आया है, इनका फल कौन है? हाँ, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए इनका जो वृक्ष श्री प्रभुपाद इनका वृक्ष है, वो कैसे वृक्ष है प्रभुपाद, कैसे वृक्ष है, इसलिए हाँ प्रभुपाद कैसे फल है। कहते साधारण फल नहीं, कहते ना निगम कल्पतरूप कलित फलम सुख मुखाद अमृत द्रव सजुत, वो कैसे फल है, बोले साधारण फल नहीं, वो ऐसे के दिव्य फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें केवल जूस जूस, जिसमें केवल जिसमें रसी रस है, जिधर खाओ ना उधर मिठाई मिठाई, जिधर खाओ उसमें मिठाई मिठाई। प्रभुपाद ऐसे के महान पुरुष आए हैं, इसलिए अभी हम जो थोड़े बहुत भजन कर रहे हैं, तिलक लगाए, गला में तुलसी की कट्टी चोटी, जो माला है ना, ये किसकी वजह से, किसकी वजह से, ये प्रभुपाद का वजह से, प्रभुपाद का। ये कहा, तुम कहाँ से आए? कालपी से। ये कहाँ से आए? उड़ीसा से। तुम कहाँ से आए? बड़ौदा से। तुम कहाँ से आए? बिहार से। तुम कहाँ से आए? उड़ीसा से। तुम कहाँ से आए? रसिया, रुस्की, हाँ साइबेरिया, पंजाब, बम्बे, कहाँ से, हाँ हरियाणा, कहाँ से आए? मस्को, सेंटेसुरबुक। इसलिए अब ये आसाम देखो, ये देखो हम कहाँ से, उड़ीसा, आप पता नहीं कौन सा गांव से आए, गांव के किसी को मैं कभी भी सोच नहीं सकता था। अभी हम गोवर्धन की तलहटी में बैठ करके ठाकुर जी कथा सुनेंगे हैं, भगवान की कथा सुनेंगे, हम कभी भी नहीं सोच सकता था यहाँ पर बैठ करके संतों की समाज में गिरिराज की तलहटी में बैठ करके हम भजन कर सकते हैं भक्त। हम कभी भी ये जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते थे आज यहाँ पर आकर बैठ कर कथा कर हैं। मैं एक गांव के कोड़े में, एकदम गांव में मैं रहता था हैं, एकदम गांव की कोड़े में रहने वाले हैं हैं, इसलिए वहां से आ करके यहाँ पर, अरे जो रसिया से आए, पता नहीं कितने सात समुद्र पार होकर के वहां से ये लोग यहाँ पर आए, कोई अमेरिका से आए हैं, हम लोग कभी भी नहीं सोच सकते थे आज गिरिराज तलहट में हम अलग अलग देश से अलग अलग भाषा से लोग होकर के यहाँ पर एक दिन भजन कर पाएंगे, हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये किसकी कृपा हुई, श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कृपा है। बोले इनकी गुरुदेव कौन है, बोले श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इनकी गुरुदेव है ये। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहा करते थे, बोले प्रभुपाद का इतना देन है, इतने प्रभुपाद का देन, बोले अभी तक जितने आचार्य आए उनका जो अवदान को एक एक तरफ रख लो तराजू का एक तरफ में, अगर इनकी महिमा को तराजू को दूसरे तरफ में रखोगे तो इनकी बल्ला भारी मिलेगा, इनकी बल्ला भारी मिलेगा। बोले क्यों, बोले इतने उन्होंने भजन इनका जैसे था, हाँ तीन तीन लाख 12 साल तक, तीन तीन लाख, अगर हम सोलहवाला जप करते हैं ना, दिन भर जप करते करते सोलहवाला खत्म नहीं होता, सोलहवाला पूरी नहीं करते, लेकिन वो दिन में कितना करते, तीन तीन लाख हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तीन तीन लाख हरिनाम करते थे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं, तीन तीन लाख हरिनाम करना, ठीक है ना। इसलिए ये महापुरुष की और जो प्रचार पहले पहले जो आचार्य लोग आए कहाँ का प्रचार किए, कहीं एक एक तरफ किसी एक तरफ में गए, थोड़ी बहुत कोई प्रचार किया, लेकिन संपूर्ण विश्व व्यापी महाप्रभु ने जो बताया था, पृथ्वी ते आचे जातर नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है मर नाम, एक दिन संपूर्ण विश्व में मेरे नाम गली गलियों में हाँ गली गलियों में शहर शहर समय गांव गांव में सब मिल करके बोले हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक दिन करेंगे ये किसकी कृपा है, किसकी कृपा है? रूपा। ये महापुरुष का ही आशीर्वाद। अभी हम जो बैठ करके तिलक लगाए, गला में कंठी माला है, भजन कर रहे हैं, बस इनकी कृपा है। ये महापुरुष कृपा नहीं करते ना, कभी नहीं हो सकता था। बोले ये इतने कृपालु कैसे बने, प्रभुपाद इतने कृपालु कैसे बने? इसलिए प्रभुपाद को कहते हैं मनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक सोत हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज मोविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी ससीह मम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष बल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले पराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदा लये कदा करी ससीयमा कृपा कटाक्ष भाजनम। इसलिए कृपा कटाक्ष भाजनम कब राधारण जैसे कृपा होगी? बोले त्रिलोक शोक हारिणी, तीन लोक का जो शोक को जो दुख को क्या हरण करने वाले? बोले कदा करी सस्य माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब ऐसे दिन आएगा आप कृपा करके आपका जो कृपा कटाक्ष मतलब आपकी जो कृपा कब ऐसे दिन आएगा जो हमारे ऊपर पड़ेगा, हम इसकी अधिकारी बनेंगे। किसकी? राधा रानी की। इसलिए कहते हो राधा रानी का जो कृपा कटाक्ष ये प्रभुपाद है। इसलिए उनको बताया राधा रानी कौन, ये प्रभुपाद कौन है? राधा रानी के नयन मणि मंजरी, नयन मतलब आंख है, मणि मतलब उसका जो पुतला होता है, राधा रानी का जो आंख का जो पुतला है ना, यही कहते ना शुभ दृष्टि कर प्रभु जगतेर प्रति जागो का हृदय मोर सोमंगला रति। इसलिए राधा रानी कृपा दृष्टि ही ये प्रभुपाद है, इसलिए इतने दयालु राधा रानी करुणा कुरुमयी करुणा भरिते। इसलिए बोले वैदग्ध सिंधु रसमूर्तैक सिंधु बात्सल्य सिंधु, हाँ राधा रानी कौन है? बात्सल्य की ये समुद्र श्री राधा रानी है। इसलिए आप और हम जैसे नरक के कीड़े भी, हम नरक के कीड़े हैं सबके सब, किसी तरह से हमारी चोटी पकड़ कर यहाँ ले आए और किसी तरह से है, लेकिन गोबर में कीड़ा होता है ना, गोबर में देखना गोबर को, गोबर में कीड़ा होता है, गोबर में रहता है, अगर उसको गोबर से निकाल कर दूर रख दो ना वो फिर गोबर ढूंढेगा, ढूंढ 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 फिर गोबर में चल जाएगी। गोबर में जो कीड़ा होता है उसको निकाल दो वो फिर क्या करेगा, फिर गोबर से जाता है धीरे धीरे गोबर फिर चली जाएगी। हम सब गोबर के कीड़े हैं। गुरु वैष्णव हमें तो चोटी पकड़ कर संसार से ले आए, लेकिन हम तो गोबर के कीड़े हैं ना, हम गोबर में जाना चाहते हैं, फिर हमें मंदिर छोड़ करके। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मंदिर नहीं, ये गोलोक वृंदावन राधा रानी की ये निकुंज महल है, कहते राधा रानी की ये निकुंज महल श्री गौरी मठ, प्रभुपाद बोलते थे। हाँ राधा रानी निकुंज महल है, उनको निकुंज में जो हो रहा है ना, सवेरे उठते हैं मंजरी सखियां राधा रानी की आरती उतारती है, राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, फूलों की माला बनाती है, इसलिए सुंदर सुंदर फूलों की माला बना बना करके कृष्ण मंदिर में तो यही हो रहा है ना निकुंज। लेकिन हम क्या जाने तो गोबर के कीड़े, हम गोबर को नहीं छोड़ेंगे, तो संसार नहीं छोड़ेंगे, उसी में ही दुनियादारी जहाँ निंदा चर्चा चुगली छाल कपट जहाँ पर बस हम घूम फिर करके हम उसी संसार में जाना चाहते हैं। संसार में क्या बताओ दिन भर क्या होता है, सवेरे से उठते ही हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, चावल है कि नहीं, तेल है कि नहीं, लकड़ी है कि नहीं, गैस, संसार में सवेरे तो यही दिन भर दिमाग में। इसलिए बोले गृह में दी, बोले जो बुद्धि में दिन भर हमारी यही चलती रहती है, यही चलती रहती है हमारे दिमाग में और कुछ नहीं, सब और कुछ दिमाग में उठे सवेरे उठ करके सोने तक यही तक यही यही ना दिमाग में घूमती रहती है, फिर कल है कि नहीं। लेकिन हम भगवान की मठ में रह करके भगवान की भजन करे, भक्ति करे, हरि नाम करे, ठाकुर को सेवा करे, हमारे अच्छी बात संसार में
कीड़े को पास में चलना, गोबर में चलना, हम हमें फिर गोबर में जाने के लिए तैयारी होते हैं, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद ने यदि ये गौड़िया मठ नहीं बनाया प्रभुपाद, ये राधा रानी की निकुंज महल राधा रानी बना दी प्रभुपाद ने बनाया, क्योंकि वहाँ जो कुछ हो रहा है यहाँ पर सारे काम गौड़िया मठ में सारे काम होता है। इसलिए इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रूपी वृक्ष में प्रभुपाद रूपी फल हुआ है और इतना सुंदर फल हुआ बस। और आप और हम बैठ बैठ करके जिस फल को उन्होंने इतना कष्ट करके बनाया, उन्होंने पहले पहले ना पहले पहले बहुत कष्ट था गौड़ी मठ में रहना। मेरे गुरु जी बोलते थे, हमारे गुरु जी पहले बहुत धनी घर के थे, जमींदार घर के थे, बोले जगने जब पहले गौड़ी मठ में आए इतने रहना बढ़िया नहीं था, इतने रहना इतना अच्छा नहीं था। हम भी जब ये ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए गुरुदेव के साथ में, हम बहुत दिन से हैं, बहुत दिन से गुरु जी के साथ में, हम कहाँ रहते थे जानते हो? वो उस तरफ में एक धर्मशाला था, उस तरफ में धर्मशाला था, इतना बढ़िया अगर बारंडा मिल जाएगा तो हमको स्वर्ग मिल गया हम समझते हैं। अगर इतना बारंडा जितना सुंदर मेरे बारंडा इस समय में मिल जाए ना, समझे था हमको स्वर्ग मिल गया। मतलब तो इतने सुंदर बारंडा भी सोने के लिए नहीं मिलता था। हम लोग बसारी मच्छरदानी मच्छर चारी तरफ में धर्मशाला में, और पायखाना करने के लिए कहाँ जाना, मंदिर में नहीं, वो उस धर्म वहाँ बोतल में पानी लेकर के ना, बोतल में पानी लेकर के मैदान में जाते थे, वहाँ पर पायखाना करते थे। ऐसे ऐसे परिक्रमा पहले होता था गुरु जी का। काम्य वन में 3 दिन रुकते थे, वहां पर भी कोई पायखाना पैखाना कुछ नहीं, मैदान में जाओ बोतल में पानी लेकर के मैदान में जाओ। लेकिन गुरु उसमें बड़े गुरु जी महाराज रहते थे ना, बस उनकी हरि कथा कथा उस समय बड़ा आनंद आता था, बड़ा आनंद आता था। उनके साथ में जाते थे परिक्रमा करने के लिए, बहुत जगह जगह पर रुकते थे वहीं से। अभी तो बहुत भक्त लोग आ गए ना, इतना लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, इतना कहाँ बनेगा, इसलिए फिर अभी 2 जगह हो गया है, वहीं से परिक्रमा करते हैं। लेकिन पहले बहुत कष्ट था, लेकिन हमारे बड़े गुरु जी ने देखा ये लोग इतना नहीं कर पाए कि इतना महल राजमहल जैसे बना दिया, बस इसमें रहो, सवेरे उठते गर्म पानी, नल खोलो तो गर्म पानी निकलता था ना, गर्म पानी में स्नान करो बस, तभी हमारा शरीर सूट नहीं करता है। इसलिए ये प्रभुपाद का कृपा है, किसी तरह से हमारी सुकृति बने, किसी तरह से सुकृति बने और धीरे धीरे हम भक्ति में धीरे धीरे बढ़े, इसलिए ये प्रभुपाद का देन है। इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रूपी वृक्ष में ये प्रभुपाद रूपी जो फल है, कहते प्रभुपाद रूपी जो फल है इसी वृक्ष में आए, और हम जिस फल को खा करके खुशी हो रहे हैं और बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल, हरे कृष्णा। ठीक है।